डी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक गेट्स। अच्छा, डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं? अ डिजिटल सिस्टम डील विद क्वांटिटीज और वेरिएबल्स विच हैव ओनली टू डिस्क्रीट वैल्यूज और स्टेट। इन डिजिटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऐसी क्वांटिटीज या वेरिएबल से डील करता है जिनकी सिर्फ दो ही स्टेट्स हों। ठीक है, इन शॉर्ट के जो डिजिटल सिस्टम होते हैं वो सारे जीरो और वन के साथ डील करते हैं। अब जीरो और वन जो होते हैं ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल्स को हम कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे एक स्विच को हम देखते हैं कि स्विच या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। अगर वो ओपन होगा तो उसकी स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो से, अगर क्लोज होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन से। इसी तरह किसी क्वेश्चन का आंसर या तो यस होगा या नो। यस को हम वन कह देते हैं, नो को हम जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह कोई स्टेटमेंट या ट्रू होगी या फॉल्स। अगर वो ट्रू है तो हम उसको लॉजिक लेवल वन कह देते हैं, फॉल्स को हम क्या कह देते हैं, जीरो कह देते हैं। और इसी तरह जो बल्ब है या वो ऑन होगा या वो ऑफ। अगर ऑन है तो हम उसकी स्टेट को वन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑफ है तो हम उसको जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सो डिजिटल सिस्टम जो होता है इन शॉर्ट जीरो और वन के साथ डील करता है, यानी कि सिर्फ दो डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ ही ये डील करता है। जबकि इसके मुकाबले में एनालॉग सिस्टम्स होते हैं, एनालॉग सिस्टम्स जो होते हैं वो इन्फिनिट वैल्यूज के साथ डील कर रहे होते हैं। यही वजह है कि एनालॉग सिस्टम स्लो होते हैं जबकि डिजिटल सिस्टम्स जो होते हैं फास्ट होते हैं। डेजिग्नेशंस यूज फॉर डिजिटल क्वांटिटीज। अब ये टेबल आपको ये शो करता है कि हम डिजिटल क्वांटिटीज को कौन सी डेजिग्नेशन असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसको हम ट्रू फॉल्स कह सकते हैं, वोल्टेज लेवल्स हैं उनको हाई लो कह सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसका आंसर यस या नो होगा, कोई स्विच है वो ऑन होगा या ऑफ होगा या क्लोज होगा या ओपन होगा। तो अब अगर हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो ट्रू हाई यस नो या क्लोज है इनको हम लॉजिक वैल्यू असाइन कर देते हैं वन, जबकि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि फॉल्स लो नो ऑफ ओपन इनको हम लॉजिक वैल्यू जीरो असाइन कर देते हैं। तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, दीज क्वांटिटीज कैन बी बेस्ट कैरीड इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी डिजिट्स वन और जीरो। बुलियन वेरिएबल्स और लॉजिक वेरिएबल्स, तो ऐसे वेरिएबल जिनकी दो ही पॉसिबल स्टेट हो उनको हम बुलियन या लॉजिक वेरिएबल्स कहते हैं, और इनके अलजबरा जो होता है उसको हम बुलियन अलजबरा कहते हैं। जिस तरह ऑर्डिनरी अलजबरा है, ठीक है, उसके बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जबकि जो बुलियन अलजबरा है इसके बेसिक तीन ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम कह सकते हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो क्वांटिटीज के दरमियान ए डॉट बी, मतलब ए और बी दो बुलियन वेरिएबल्स हो, अगर आप उन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आप लिखोगे ए डॉट बी और पढ़ेंगे ए एंड बी। इस तरह और ऑपरेशन के लिए हम लिखेंगे ए प्लस बी और ये हम रीड करेंगे ए और बी। और नॉट ऑपरेशन इन्वर्जन होती है, तो अगर हम किसी नंबर को इन्वर्ट करें तो हम उसके ऊपर बार डाल देते हैं ए बार, मतलब अगर वो जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। इन चीजों को हम डिटेल से आगे चल के देखेंगे। फिलहाल आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एंड ऑपरेशन जो होते हैं वो तीन जो बुलियन अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन है वो तीन है, एंड और नॉट। जिस तरह ऑर्डिनरी अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन वैसे दो ही हैं, एक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनके इन्हीं की मॉडिफाइड फॉर्म है। फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। अच्छा, अब जाहिर है कि जो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये किसी भी डिजिटल सिस्टम में कोई सर्किट परफॉर्म कर रहा होता है, तो जो सर्किट ये लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है उनको हम लॉजिक गेट कहते हैं।
ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द वेरियस लॉजिक ऑपरेशन आर नोन एज लॉजिक गेट्स। और बेसिकली तीन जो है फंडामेंटल लॉजिक गेट्स हैं। अगर बेसिक ऑपरेशन तीन है तो फंडामेंटल लॉजिक गेट्स भी तीन है, बाकी जो गेट्स हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और वो तीन कौन कौन से हैं? और गेट, जिसका सिंबल इस तरह से होता है, एंड गेट, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, और नॉट गेट, जिसका ये ट्रायंगुलर सा सिंबल होता है और ये बबल होता है। और ये जो बबल है ना इसके एंड पे, ये इन्वर्जन शो करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब किसी गेट की आउटपुट का वन होगी या जीरो होगी, ये किस बेस पे हम डिसाइड करते हैं? तो ये बेसिकली जो ये जीरो और वन होते हैं सर्किट लेवल पे, ये वोल्टेजेस होती हैं, ठीक है। इन दीज गेट्स द हाई एंड लो स्टेट्स दैट इज वन एंड जीरो स्टेट आर सिमुलेटेड बाय सर्टेन वोल्टेज लेवल्स, के मतलब जो जीरो और वन होते हैं सर्किट्स में, ये वोल्टेज लेवल्स होते हैं। आइडियल केस में हम क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर वोल्टेज को हम वन कंसिडर कर देते हैं, किसी एक को जीरो। मतलब लेट्स सपोज मैं कहूं कि अगर 5 वोल्ट वोल्टेज हुई तो हम उसे वन कंसिडर करेंगे, अगर 0 वोल्ट वोल्टेज हुई तो हम उसे जीरो कहेंगे। बट प्रैक्टिकली हम कोई एक वैल्यू असाइन नहीं करते, एक रेंज असाइन करते हैं। कि मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक की वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, 1, और 0 से 0.8 वोल्ट तक के वोल्टेज लेवल को हम क्या कहेंगे, 0, ठीक है। तो अब अगर कहीं पे कोई सिग्नल आता है उसका है 3.5 वोल्ट, लेट्स सपोज मेरे पास कोई सिग्नल है उसकी वोल्टेज है 3.5 वोल्ट, अब क्योंकि ये 2 और 5 के दरमियान है तो मैं उसकी आउटपुट को 1 कंसिडर करूंगा। और अगर किसी गेट की आउटपुट पे आता है 0.5 वोल्ट, अब क्योंकि ये 0.8 वोल्ट के दरमियान है तो इस वोल्टेज लेवल को हम जीरो कंसिडर करेंगे। तो एक्चुअली सर्किट लेवल पे जीरो और वन क्या होते हैं? सर्किट लेवल पे जीरो और वन स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल्स होते हैं। अब ये सारे यही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, यानी कि इन प्रैक्टिकल डिजिटल सर्किट हाउएवर अ वन और अ हाई कैन बी एनी वोल्टेज बिटवीन अ स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू एंड अ स्पेसिफाइड मैक्सिमम वैल्यू। और इसी तरह जीरो जो होगा वो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान होगा, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दी है। और आगे यही बात लिखी हुई है कि अगर 3.5 वोल्ट होगी तो 3.5 वोल्ट को अगर हम ये वोल्टेज लेवल असाइन करें तो उसको वन कंसिडर करेंगे, और 0.5 वोल्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे, जीरो। और गेट। तो सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सीखा डिजिटल सिस्टम होते क्या है, ठीक है। तो वो सिस्टम जिनकी दो ही स्टेट्स होती हैं, एक को हम जीरो कहते हैं, एक को हम वन कहते हैं। इनके अलजेब्रा को हम क्या कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। और बुलियन अलजेब्रा के तीन बेसिक ऑपरेशन थे, एक को हमने कहा एंड और नॉट, ठीक है। तो फिर हमने ये सीखा कि इन ऑपरेशंस को जो सर्किट परफॉर्म करता है उनको हम गेट्स कहते हैं। और मजीद हमने ये सीखा कि ये जीरो और वन गेट्स में होते क्या हैं, तो वो हमने सीखा कि एक वोल्टेज लेवल्स होते हैं, सर्टन मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज के दरमियान किसी वोल्टेज को हम वन कह देते हैं, और किसी वो एक और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के दरमियान वोल्टेज को हम जीरो कह देते हैं। तो सो और गेट एक ऐसा गेट है जो कि जो और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि लॉजिक और ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। इस गेट की जो दो इनपुट्स हो सकती हैं या दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती है। अगर दो इनपुट्स हों तो हम इनको ए को ए कह सकते हैं और ए को बी, और एक ही इसकी आउटपुट होती है जिसे यहाँ पे हम एक्स से डिनोट करेंगे। इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, मतलब यही चीज़ देखिए, मैं इसको बना के भी दिखाता हूँ कि इस साइड को आपने थोड़ा कर्व बनाना है और इसको थोड़ा इस तरह से नुकीला कर देना है, तो ये आपका जो गेट बन जाएगा ये और गेट बन जाएगा, और ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं इस गेट का, तो ट्रुथ टेबल जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल होता है जो हमें किसी भी जो लॉजिक ऑपरेशन की इनपुट्स और आउटपुट्स को रिलेट करता है। अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन ट्रुथ टेबल, तो आप ऐसे डेफिनेशन बता सकते हो, अ टेबल विच शोज द रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ लॉजिक ऑपरेशन,
अब जैसे और ऑपरेशन में अगर आप और से करें, अगर आपके पास दो इनपुट्स हो ए और बी, दो इनपुट्स के याद रखिएगा कि चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो दोनों जीरो हो सकती हैं, या ए जीरो बी वन हो सकता है, या ए वन बी जीरो हो सकता है, या दोनों वन हो सकते हैं। इन चार के अलावा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी इनपुट्स की कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? तो उसका सिंपल सा एक फार्मूला याद रखो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल, तो वो होते हैं 2 की पावर n। अब क्योंकि मेरे पास दो इनपुट हैं तो n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इसलिए इस केस में मेरे पास 4 है। अगर मेरे पास 3 इनपुट्स हों तो 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, तो फिर इस तरह के 8 कॉम्बिनेशंस बनते। लेकिन क्योंकि ज़्यादा इनपुट्स वाले केसेस हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, तो हम सिर्फ दो इनपुट्स वाले केसेस को डिस्कस करेंगे जिनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे, या तो दोनों 0 होंगी, या एक 0 दूसरा 1, या पहला 1 दूसरा 0, या दोनों 1 होंगे। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि और ऑपरेशन करता क्या है। तो याद रखो बेटा कि अगर और एक भी इनपुट वन हो, अगर एक भी इनपुट वन हो या दोनों इनपुट वन हो, तो आपकी आउटपुट वन होगी। और आपकी आउटपुट जीरो कब होगी? जब दोनों इनपुट जीरो हो। तो और ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म होता है कि आउटपुट और ऑपरेशन में वन कब होगी? जब कोई भी इनपुट वन हो, और आउटपुट जीरो एक ही केस में होगी जब सारी की सारी इनपुट जीरो हो। तो सो ऐसा ऑपरेशन जिसमें आउटपुट वन हो अगर कोई भी इनपुट वन हो या सारी इनपुट वन हो, ये और आउटपुट जीरो कब हो? जब सारी की सारी इनपुट जीरो हो, तो इसे हम आर ऑपरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसे लिखते ऐसे हैं ए प्लस बी, और रीड ऐसे करते हैं ए और बी। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम दूसरे ऑपरेशन की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं, एंड ऑपरेशन क्या है, या एंड गेट की तरफ चलते हैं। तो सो एंड गेट नाम से जाहिर है वो सर्किट है जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इस गेट की भी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होगी। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। फर्क ये है कि इसमें ये वाली लाइन स्ट्रेट होगी, मतलब ये सीधी, और आगे डी की तरह इसको बना दें तो ये आपका कौन सा गेट बन गया? एंड गेट। तो इसमें ये लाइन सीधी रखनी है आपने, तो ये इसका सिंबल हो गया। और इसकी भी इनपुट्स को हम ए बी से शो करते हैं और आउटपुट को एक्स से शो करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल जो हमें इनपुट और आउटपुट का रिलेशंस बताएगा वो कुछ ऐसे होता है। और देखें इसमें भी चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। अब एंड ऑपरेशन होता क्या है? एंड ऑपरेशन में होता है कि अगर एक भी इनपुट जीरो हो जाए तो आपकी जो आउटपुट होगी वो जीरो होगी, और आपकी आउटपुट वन एक ही सूरत में होगी जब सारी इनपुट्स वन हो। यानी कि इस ऑपरेशन में आउटपुट जीरो कब होगी? जब एक भी इनपुट जीरो हुई तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, और आउटपुट वन एक ही सूरत में होगी जब सारी इनपुट्स वन हो। तो सो ये जो है आपके आर ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। अब इसको सिंबल क्या है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी। अगर दो इनपुट्स ए और बी में एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे ए डॉट बी, और रीड करेंगे ए एंड बी। तो ये हमारे दो लॉजिक गेट्स हो गए, एक हमने सीख लिया और गेट, एक हमने सीख लिया एंड गेट। तो अब हम तीसरे फंडामेंटल गेट नॉट गेट की तरफ चलते हैं। तो ऑब्वियसली वो सर्किट जो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करे या इन्वर्जन या कम्प्लीमेंटेशन करे, यानी कि परफॉर्म नॉट ऑपरेशन या इन्वर्जन या कम्प्लीमेंटेशन। इन्वर्जन या कम्प्लीमेंटेशन का ये मतलब है कि ये जीरो को वन में कन्वर्ट कर देता है, वन को जीरो में कन्वर्ट कर देता है। इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होता है। हालांकि आपने पहले इससे पहले बाकी गेट्स देखे हैं, उनकी इनपुट्स दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसमें इनपुट सिर्फ एक होती है। अच्छा, लेट्स सपोज मेरी इनपुट ए है। अब इसका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि एक इनपुट है तो इसके एक इनपुट के दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या वो जीरो होगी या वो वन। वही 2 की पावर n वाला फार्मूला लगाएं, क्योंकि इधर इनपुट वन है, n मेरे पास कितना हो जाएगा,
वन, तो टू की पावर वन टू, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो बनेंगे, या तो जीरो या वन। ठीक है, तो अगर इनपुट जीरो हुई तो ये उसे वन बना देगा, वन हुई तो ये उसे जीरो बना देगा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम ए बार लिखते हैं और पढ़ते हैं ए नॉट। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे बेसिक या फंडामेंटल लॉजिक गेट्स जो कि तीन थे। अब हम मूव करते हैं अदर लॉजिक गेट्स की तरफ। इसके अलावा चार लॉजिक गेट्स हमारे कोर्स में हैं, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो अब हम नॉर गेट जो है ये बेसिकली नॉट और ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब इसका ऑपरेशन और की तरह ही होता है बट ये उसको इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें भी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है। इसका लॉजिक सिंबल ये होता है, ये सिंप और गेट की तरह ही है, बस एंड पे ये बबल आ जाता है। बबल की वजह से ये जो आपके आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, ये इसका ट्रुथ टेबल है। अगर आपको और गेट का ऑपरेशन याद हो तो उसमें ये था कि अगर एक भी इनपुट वन हो तो आउटपुट जो होती है वो वन हो जाती है, तो लेकिन इसमें क्या होगा कि एक भी इनपुट वन हुई तो आउटपुट जीरो हो जाएगी। और दूसरा और में ये था कि अगर दोनों इनपुट जीरो हो तो आउटपुट जीरो होती है, तो इसमें क्या होगा, दोनों इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन हो जाएगी। मतलब ये बेसिकली नॉट और है कि आप क्या करो, एक और गेट लो, उसके आगे एक नॉट गेट लगा दो, तो अब ये जो है ये आपका ऑपरेशन क्या बन जाएगा, नॉर ऑपरेशन या नॉट और ऑपरेशन। तो सो इसमें आउटपुट जीरो कब होगी, जब एक भी इनपुट वन हुई, और इसकी आउटपुट वन कब होगी, जब सारी इनपुट जो है वो जीरो होगी। तो इसका सिंबल उसी तरह ही है और की तरह, ए प्लस बी, बस ये के ऊपर बार डाल दें, बार ये शो करती है कि ये ए और बी की इन्वर्टेड फॉर्म है। नैंड गेट जो है ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है ये नॉट एंड होता है, मतलब इसकी आउटपुट आपको मिलती है अगर हम एंड ऑपरेशन के आगे एक नॉट गेट लगा लें, यानी उसको इन्वर्ट कर दें। इसकी भी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है, ये इसका लॉजिक सिंबल है। ये एंड गेट की तरह ही है, इसके आगे बबल लगा हुआ है, मतलब ये क्या करता है कि ये एंड ऑपरेशन के आगे अगर आप नॉट गेट लगा लें तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये नॉट एंड या नैंड होगा, मतलब ये आउटपुट आपका ए एंड बी है, ये क्या करेगा, इस पे बार डाल देगा, इसको इन्वर्ट कर देगा, तो ये आपका नैंड ऑपरेशन बन गया। यानी कि एंड ऑपरेशन को इन्वर्ट कर दो तो नैंड बन जाता है। इसका ट्रुथ टेबल ये है कि जाहिर है दो इनपुट्स के लिए कितने कॉम्बिनेशंस हैं, चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो एंड ऑपरेशन में अगर आपको याद हो तो एक भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट जो है वो जीरो होती थी, और आउटपुट वन एक ही सूरत में होती थी जब दोनों इनपुट्स वन हो। तो इसमें क्या है कि एक भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट वन होगी, और अगर दोनों इनपुट्स वन होंगी तो आउटपुट जीरो हो जाएगी। मींस के आउटपुट इसकी वन तब होगी जब कोई भी इनपुट जीरो हो, और आउटपुट जीरो कब होगी, जब सारी इनपुट जो है वो वन हो। मैथमेटिकली हम नोटेशन ये यूज करते हैं, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी एंड को शो करती है, बार नॉट ऑपरेशन को शो करती है, तो हम इसे पढ़ेंगे ये नैंड ऑपरेशन या नॉट एंड ऑपरेशन है। नेक्स्ट है हमारा गेट एक्सक्लूसिव और गेट, जिसे हम एक्स और लिखते हैं। इस गेट की भी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं और एक आउटपुट होगी। मैथमेटिकल सिंबल इसका ये है। अब अगर आप देखें तो ये और गेट की तरह ही है सिंबल, और गेट इस तरह का था, बस ये कि एक एडिशनल लाइन इधर लगा दो तो ये अब आपका और नहीं बल्कि एक्स और गेट बन जाता है। अगर इसकी दो इनपुट्स हैं ए और बी, और जो इसकी आउटपुट होगी उसे अब लिखेंगे ए प्लस बी, बस इस पे या तो सर्कल डाल दो या फिर दूसरा ये नोटेशन है कि ए बी बार प्लस ए बार बी के बराबर होता है ये। तो सो स्टूडेंट्स ये इसका ट्रुथ टेबल है।
तो दो इनपुट्स के लिए चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इसमें अगर आप देखें तो दोनों इनपुट्स अगर सेम हो तो आउटपुट जीरो होती है, मतलब दोनों सारी इनपुट्स जब सेम हो तो आउटपुट जीरो होती है, अगर इनपुट्स डिफरेंट हो तो आपकी आउटपुट जो होती है वो वन होती है। ये इस तरह से ऑपरेट करता है कि इसकी आउटपुट जीरो होगी जब ऑल द इनपुट्स आर सेम, और आउटपुट वन होगी जब सारी इनपुट सेम ना हो। मैथमेटिकल नोटेशन इसकी, जैसे मैंने अभी बताया, ये बराबर होता है ए बी बार प्लस ए बार बी के, या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप प्लस के ऊपर छोटा सा सर्कल डाल दो तो ये एक्स आर ऑपरेशन बन जाता है। एक्स आर ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ एंड और एंड नॉट गेट। अब ये जो एक्स आर ऑपरेशन है हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंड और नॉट गेट की मदद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप देखें, आपको ए बार और बी बार, मतलब कि ए और बी को इन्वर्ट करने के लिए दो नॉट गेट चाहिए, फिर ए बार को ए के साथ एंड करना है, सॉरी बी बार को ए के साथ एंड करना है और ए बार को बी के साथ एंड करना है, तो दो एंड गेट चाहिए, चार हो गए, और फिर उनको आपस में आर करना है, तो इसमें टोटल पांच गेट्स की मदद से दो एंड गेट, एक आर गेट और दो नॉट गेट्स की मदद से मैं इस ऑपरेशन को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो करना क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द फंक्शन एक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एंडिंग वेरिएबल ए विद नॉट ऑफ बी। आप एक को एंड कर दो बी के नॉट के साथ, फिर सेकंड टर्म हमें कैसे मिलेगी, ऑफ द सेकंड टर्म इज नॉट ऑफ ए एंडेड विद बी। अब नॉट ऑफ ए को बी के साथ, यानी ए को इन्वर्ट करके बी के साथ एंड कर दो, द फंक्शन एक्स इज ऑब्टेन बाय और इन दीज टू टर्म, फिर इन दोनों टर्म्स को आपस में और ऑपरेशन परफॉर्म कर लो। तो अब मैं इसको गेट्स की मदद से, पांच गेट्स की मदद से इंप्लीमेंट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको दो नॉट गेट चाहिए, दो एंड गेट चाहिए और एक और गेट चाहिए। तो ये सर्किट जो है ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एक्सक्लूसिव और वाला। तो आप इस से करें कि ए इनपुट आप अप्लाई कर दें ये एक नॉट गेट के ऊपर, ठीक है, और इसको आप दे दें एंड गेट की इनपुट में, ठीक है। तो अब ये जो ए की इस गेट की आउटपुट है वो ए बार है, अब एंड गेट को दूसरी इनपुट आप बी दे दें, ठीक है। तो इस तरह आपका ये वाला पार्ट जो है ए बार बी ये आउटपुट पे आपको मिल जाएगा। अब आप क्या करें, ये दूसरा पार्ट बनाने के लिए दूसरे गेट को आप ए को कनेक्ट कर दें डायरेक्टली इन एक एंड गेट के साथ, बी को पहले नॉट करके बी नॉट लें, और ये आपका इस तरह बी बार और ये ए आके ए बार बी आपको आउटपुट पे मिलेगा, ये सेकंड टर्म मिल जाएगी। तो सो ये ए था और ये बी बार, इनका एंड क्या हो गया ए बी बार, जिस तरह ऊपर ये ए बार था और ये डायरेक्ट बी आ रहा था, तो ए बार बी आपको मिल। अब इन दोनों को हम और कर देते हैं, तो जब मैं दोनों को और या प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी कि ये आपको आउटपुट मिल गई एक्सक्लूसिव और की। तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट हम पांच गेट से भी हासिल कर सकते हैं बजाय एक एक्सक्लूसिव और गेट यूज करने के। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है एक्सक्लूसिव नॉर। तो अब नाम से जाहिर है कि ये जो एक्सक्लूसिव आर का है उसकी इन्वर्टेड ऑपरेशन है, यानी कि एक्सक्लूसिव आर को इन्वर्ट कर दो तो एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन होगा। इस गेट में भी दो इनपुट्स, दो या दो से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, एक आपकी आउटपुट होगी। इसका लॉजिक सिंबल कुछ इस तरह से है, सेम वही है एक्सक्लूसिव और वाला गेट, बस आउटपुट पे एक छोटा सा बबल ऐड कर दो। बबल क्या करेगा, ये इन्वर्जन करेगा। अगर नीचे वाला फार्मूला देखें तो एग्जैक्टली वही सेम था, बस ऊपर ये टोटल बार आ गई, मतलब एक्सक्लूसिव और को इन्वर्ट कर दो तो एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन बन जाता है। इसका ट्रुथ टेबल वैसा ही है, बस इन्वर्जन है, दो पॉसिबल इनपुट्स के लिए चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, बस ये कि जब दोनों इनपुट सेम हो तो इसकी आउटपुट जीरो नहीं होगी बल्कि वन होगी, और जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, ठीक है, तो यानी एक जीरो एक वन या एक वन हो एक जीरो, तो आपकी आउटपुट जीरो होगी। तो सो इसकी आउटपुट वन कब होगी, जब सारी इनपुट सेम हो,
आउटपुट जीरो कब होगी? जब सारी इनपुट सेम ना हो। मैथमेटिकल नोटेशन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी होल बार, या फिर हम ए एक्सक्लूसिव और बी नॉट, ठीक है, यानी कि ये जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन था उसका इन्वर्टेड ऑपरेशन होता है। अब जिस तरह एक्सक्लूसिव आर को मैंने पांच गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट किया, एक्सक्लूसिव नॉर को भी मैं पांच गेट्स की मदद से इम्प्लीमेंट करूंगा। फर्क ये होगा कि इसमें आर की जगह हम नॉर गेट यूज करेंगे, यानी दो एंड गेट यूज होंगे, दो नॉट गेट यूज होंगे और एक नॉर गेट यूज होगा। इसका बुलियन फंक्शन ये है कि हम क्या करेंगे कि पहले ए को एंड करेंगे बी नॉट के साथ, फिर हम क्या करेंगे ए नॉट को एंड करेंगे बी के साथ, फिर हम दोनों पे नॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। जैसे ये दो नॉट गेट्स हैं, ये मेरे पास दो एंड हैं, अब ये मैं ए इनपुट देता हूँ इस गेट को, अच्छा, और ये इन्वर्ट होके ए बार हो जाएगी, इसको एंड दूसरे इस एंड गेट की दूसरी इनपुट बी है, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी ए बार बी। इस तरह जो दूसरे एंड गेट की एक इनपुट पे मैं ए अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे ए अप्लाई हो गया, और दूसरी इनपुट पे ये जो बी नॉट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अब इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी ए बी बार। तो जाहिर है ये नॉट गेट बी इनपुट है, तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी बी नॉट, ठीक है, तो और ये ए बी नॉट का एंड क्या हो जाएगा ए बी नॉट। अब आगे मैं और गेट के बजाय स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर गेट लगा दूंगा, और नॉर गेट क्या करेगा इन दोनों को ऐड करके इन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो ये आपकी एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन की आउटपुट आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये था हमारे लॉजिक गेट्स जिसमें हमने सात गेट्स टोटल पढ़े थे, ठीक है, जिसमें तीन फंडामेंटल गेट हैं और एंड नॉट, और चार गेट्स हमने पढ़े हैं नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ गेट्स इन कंट्रोल सिस्टम क्या होती हैं, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में गेट्स वाइडली यूज होते हैं, ठीक है, और कंट्रोल सिस्टम्स में हमने बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, तो इनको कंट्रोल करना होता है, जो कि आगे एक एग्जांपल में चल के मैं आपको बताऊंगा कैसे। अच्छा, जाहिर है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जैसे प्रेशर टेम्परेचर, इनको डायरेक्टली जो है हम डिजिटल सिस्टम में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डिजिटल सिस्टम की इनपुट्स और आउटपुट टेम्परेचर प्रेशर नहीं होते बल्कि वोल्टेज लेवल्स होते हैं, तो लिहाजा हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंसर्स, और ये सेंसर्स क्या करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को वोल्टेज सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम उन वोल्टेज सिग्नल्स की बेस पे जो है डिजिटल सर्किट्स जो है वो लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। तो सो सेंसर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इनकी एग्जांपल लूं तो इनमें सबसे पहले आ जाएगा आपके पास एलडीआर, ठीक है, तो एलडीआर क्या करता है कि ये लाइट में इंटेंसिटी में चेंजेस को इलेक्ट्रिक सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मसलन जैसे लाइट क्या होगी, जब ज्यादा हो जाए तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ये करंट को ज्यादा कर देगा, ठीक है, और वोल्टेज इसके क्रॉस कम हो जाएगी, और अगर लाइट कम हो जाए तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह ये अपनी रेजिस्टेंस चेंज करके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को चेंज करता है। इस तरह थर्मिस्टर है, ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है, ये टेम्परेचर की चेंजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। माइक्रोफोन जो होता है ये बेसिकली हमारी साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो जो सेंसर है इन शॉर्ट ये एक ऐसी डिवाइस है जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करती है।
इसी तरह और भी कोई सेंसर्स हैं, देयर आर लेवल सेंसर, जैसे कि जो टैंकी के अंदर पानी का लेवल सेंस करते हैं और आउटपुट पे सिग्नल देते हैं कि लेवल एक खास हद से एक्सीड किया है या नहीं, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं। सपोज हमारे पास एक पानी का टैंक है और हमने दो सेंसर यूज किए हैं, एक टेम्परेचर को मेजर कर रहा है और एक प्रेशर को मेजर कर रहा है। हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना चाह रहे हैं कि जब टेम्परेचर या प्रेशर कोई एक या दोनों एक खास लेवल से एक्सीड करें तो आपका जो आउटपुट पे अलार्म है वो ऑन हो जाना चाहिए। अब अलार्म के ऑन होने पे हमने ये कंडीशन रखी है कि जब भी अलार्म को वन मिलेगा एज इनपुट, यानी कि आपकी सी इनपुट जब भी वन इसे मिलेगी अलार्म को तो ये ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे ये जीरो अलार्म को इनपुट मिलेगी तो ये अलार्म एक्टिवेट होगा। तो मतलब हमने एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है कि जब भी टेम्परेचर और प्रेशर अपनी खास लिमिट से एक्सीड करें तो इस सी सर्किट की आउटपुट ज़ीरो हो जाए और अलार्म ऑन हो जाए, लेकिन जब तक टेम्परेचर और प्रेशर अपनी लिमिट्स में है सी की आउटपुट वन रहे और अलार्म क्या रहे, ऑफ रहे। तो कोई भी डिजिटल सर्किट ड्रॉ करने से पहले या डिज़ाइन करने से पहले हम सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब मसलन जो ए है ये आपका प्रेशर सेंसर की आउटपुट है और जो बी है ये आपके टेम्परेचर सेंसर की आउटपुट है। अब ये जो ए और बी हैं ये टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर्स की तो आउटपुट हैं, पर ये जो सर्किट सी आपने डिज़ाइन करना है उसकी इनपुट्स हैं। अब मैंने कहा है कि जब ये दोनों ज़ीरो हों, ठीक है, तो जब ये दोनों ज़ीरो हों तो अलार्म को क्या रहना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए। तो अलार्म तभी ऑफ रहेगा जब इसकी आउटपुट क्या हो, वन हो जाए। और जब आपका जो प्रेशर है वो लिमिट में हो पर टेम्परेचर जो है वन हो जाए, मतलब अपनी लिमिट को एक्सीड कर दे, तो अब अलार्म को ऑन होना चाहिए। और अलार्म ऑन कब होगा, जब सी की आउटपुट ज़ीरो, यानी उस वक्त इसकी आउटपुट ज़ीरो हो। और इधर आपका प्रेशर इंक्रीज कर गया अपनी लिमिट से तो अलार्म ऑन हो गया। अगर ये दोनों अपनी लिमिट्स को इंक्रीज कर दें तो अलार्म ऑन हो गया। तो आपने नोटिस किया है कि मैंने और ए और बी यानी टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर जब तक अपनी लिमिट्स में है उनकी इनपुट को मैंने ज़ीरो लिया है, जब अपनी लिमिट एक्सीड करते हैं तो मैंने उनकी इनपुट को वन कर दिए। तो जब तक टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर लिमिट्स में है ये जो इनपुट्स ए और बी हैं ये ज़ीरो रहेंगी, जब कोई भी एक्सीड करेगा वो वन होगा। और आपका अलार्म जब भी अपनी लिमिट को एक्सीड करेगा कोई एक या दोनों तो अलार्म ऑन हो जाएगा, और जब ये दोनों अपनी लिमिट्स में रहेंगे तो अलार्म क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब अगर इस सर्किट को अगर आप गौर से देखो तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें जब इसकी दोनों इनपुट सेम हो रही हैं तो आउटपुट वन है, जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हैं तो आउटपुट क्या होगी, जीरो। तो ये तो ऑपरेशन जो है ये किसकी तरह क्या है, एक्सक्लूसिव और की तरह क्या है। तो यहाँ हमें मिल गया कि आप सी की जगह सिंपल एक्सक्लूसिव और गेट लगा दें। तो इस तरह अब ये गेट आपने लगा दिया तो अब क्या होगा कि जब भी टेम्परेचर या प्रेशर अपनी लिमिट को एक्सीड करेगा तो ये अलार्म ऑन हो जाएगा, जब ये दोनों अपनी लिमिट में रहेंगे तो अलार्म क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो जो आपका डिजायर्ड ऑपरेशन है वो एक लॉजिक गेट की मदद से आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। थैंक यू वेरी मच, आज बस इतना ही। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कम्प्लीट हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे लेक्चर में। और बाकी शुक्रिया।